सब्सक्राइब करें सो हाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहाइपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे ट्रेन इतनी स्पीड में होने के कारण भी ओएजी में लगे तार फ्रिक्शन से टूट क्यों नहीं जाते। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को ना पूरा देखें एंड तक देखें। और चैनल पर नया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि रफ्तार या स्पीड से कोई बल उत्पन्न नहीं होता, और ओएजी से ग्रहण करने वाला पेंटोग्राफ अगर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्टेबिलिटी के साथ चले भी तो, और ऊपर बिजली का तार लगातार पेंटोग्राफ के समांतर रहे तो बिजली के तार पर फिजिक्स के नियम के अनुसार कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ फ्रिक्शन का असर बस इतना होता है कि पेंटोग्राफ ज़्यादातर घिसेगा और ऊपर बिजली का तार मिनिमल नॉमिनल ही घिसेगा। अब इससे तार को कैसे बचाया जाए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, तार को टूटने से बचने के लिए जो दो उपाय किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है पेंटोग्राफ का तार को छूने वाली सतह को नरम बनाया जाता है ताकि वो घिसे और तार नहीं। दोस्तों पेंटोग्राफ के ऊपर एक घिसने वाला स्ट्रिप लगा होता है जिसे पेंटो कलेक्टर शू वियर स्ट्रिप कहते हैं। दोस्तों ये 4 मिलीमीटर घिसने के बाद इसे बदल दिया जाता है और इस वियर स्ट्रिप को जानबूझकर काफ़ी मुलायम बनाया जाता है। साथ ही फ्रिक्शन कम करने के लिए इस कलेक्टर शू पर भी एक कंडक्टिव ग्रीस लगाया जाता है। दोस्तों पेंटोग्राफ में स्प्रिंग और कंप्रेस हवा का प्रयोग किया जाता है ताकि पेंटोग्राफ और तार के बीच पटरी की विषमता के बावजूद ज़्यादा फोर्स पैदा ना हो और एक फॉर्म फोर्स हमेशा बना रहे। दोस्तों स्प्रिंग और कंप्रेस हवा के कारण पेंटो का स्टैटिक फोर्स मात्र 70 kN या 7 किलो के बराबर होता है, जबकि देखा जाए तो इंजन का वजन लाख किलो से भी ज़्यादा होता है। साथ ही 5 से 6 इंच तक की ऊंचाई की इन इक्वलिटी कंप्रेस हवा के कारण दूर की जा सकती है और तार पर कोई झटका नहीं लगता है और तार टूटने से बचता है। दोस्तों बिजली की तार आड़ी तिरछी लगी होती है, आपने देखा ही होगा। इसका मतलब यह है आड़ी तिरछी इसलिए लगी होती है ताकि पेंटो एक ही जगह से ज़्यादा न घिसे। दोस्तों पेंटोग्राफ में स्प्रिंग और कंप्रेस हवा का प्रयोग किया जाता है ताकि पेंटोग्राफ और तार के बीच पटरी की विषमताओं के बावजूद ज़्यादा बल पैदा ना हो और एक रूप हमेशा बना रहे, एक रूप जो एक फॉर्म फोर्स हमेशा बना रहे हैं। और पेंटोग्राफ तमाम उछालों के बावजूद हमेशा ऊपर के कॉन्टेक्ट वायर के संपर्क में रहें। दोस्तों इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके दोस्तों, कोई व्यक्ति हथौड़ा से पत्थर कैसे तोड़ सकता है। इसका उत्तर है जब हथौड़ा पत्थर से कुछ दूर हो तभी तोड़ सकता है, यदि हथौड़ा पत्थर से दूर हो तभी। यदि हथौड़ा पत्थर से बिल्कुल सटा हो तो पत्थर तोड़ ही नहीं सकते हैं। इसी तरह पेंटोग्राफ बिजली की तार से हमेशा सटा हुआ रहता है स्प्रिंग और कंप्रेस हवा की मदद से। दोस्तों बिजली की तार आड़ी तिरछी इसलिए लगी होती है ताकि पेंटो एक ही जगह से ज़्यादा न घिसे, और बिजली की दो तारें ऊपर लगाई जाती है ताकि नीचे वाली तार बिल्कुल पटरी के समांतर रहे। दूसरा उपाय है बिजली की तार पेंटो की पूरी चौड़ाई में दाएं बाएं बिछाई जाती है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में स्टैगर कहते हैं, मतलब लड़खड़ाहट, जो 8 इंच या 200 मिलीमीटर तक सीधी ट्रैक पर होता है। और ऐसा करने से पेंटो एक ही जगह से नहीं घिसता, और यदि पेंटो एक ही जगह से घिसेगा तो वहाँ नोच बन जाएगा जो तार को तोड़ सकता है। दोस्तों बिजली की दो तारें ऊपर लगाई जाती है ताकि नीचे वाली तार बिल्कुल पटरी के समांतर रहे। इमेज में देखिए, जो ऊपर वाले कैंटेनरी वायर जो दिख रहे हैं ना, उसे कैंटेनरी वायर कहते हैं, जो झुका हुआ रहता है, जिसे किसी भी हालत में बिल्कुल सीधा नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हाई टेंशन वायर में देखते हैं आप। दोस्तों इसलिए कंटेनरी तार के नीचे कॉन्टेक्ट तार लगाया जाता है और दोनों जुड़े हुए रहते हैं, जिससे कॉन्टेक्ट वायर पर कम से कम बल लगता है, यानी फोर्स कम लगता है और बिल्कुल ट्रैक के समांतर रहता है और मजबूती भी मिलती है। दोस्तों इन सब के बावजूद कॉन्टेक्ट वायर धीरे धीरे ही सही कुछ कुछ करके घिसती जाती है, और एक खास सीमा जो 4 मिलीमीटर तक घिस जाने के बाद कॉन्टेक्ट वायर को बदल दिया जाता है। इन सब उपायों से ऊपर की बिजली की तारों को टूटने से बचाया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में,
आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।